जहां योगी सरकार लगातार पार्कों के सौंदर्यीकरण पर जोर दे रही है, तो वहीं बदहाल पार्क जिम्मेदारों के लापरवाह रवैये को साफ कर रहे हैं। मामला महोबा का है, जहां शहर में बने पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। तस्वीरें आरा चौक पर बने अंबेडकर पार्क की हैं, जो शराबियों का अड्डा बन गया है। पार्क में पेड़ पौधे और फुलवारी तो दूर, घास भी नजर नहीं आ रही। अगर कुछ दिखता है तो वो कूड़ा कचरा और शराब की खाली शीशियां। स्थानीय लोगों की माने तो शाम ढलते ही यहां अराजक तत्वों की महफिल लग जाती है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आला चौक स्थित जो है अंबेडकर पार्क है, जो कि 1984 में अहलूवालिया ने बनवाया था। अब तो इस समय कोई डेवलप नहीं है। पहले जिस समय ये बनवाया गया था अहलूवालिया द्वारा, उस समय तो यहाँ पर अच्छी फुलवारी वगैरह और घास वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से जो है अब इसकी ना कोई देखरेख करता है, ना नगर पालिका इस पर ध्यान देती है। शहर के बीच में स्थित है, मेन जगह है, और अब यहाँ पर केवल जो है अराजक तत्वों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं रहता है शाम को टाइम जो है पार्क के अंदर, क्योंकि नगर पालिका इसमें ना कोई पौध ना कोई जो है फूल वगैरह कुछ नहीं जो है। कई बार कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जो है लगाए गए हैं पेड़, लेकिन उसका रख रखाव ना होने के कारण वो सब जानवरों द्वारा जो है ये नष्ट हो जाती है। एक तरफ जहां योगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण और सुंदरीकरण पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर महोबा का अंबेडकर पार्क बद से बदतर हालात में है। आलम यह है कि यहाँ पेड़ पौधे तो दूर की बात है, पार्क के अंदर घास भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पर इस सब से बेखबर प्रशासनिक जिम्मेवार सफाई के नाम पर मात्र औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। शाम ढलते ही यहां शराबियों की और अराजक तत्वों की महफिलें सजने लगती हैं, और ना कि सुरक्षा के नाम पर ना पुलिस यहां देखने आती है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन उत्पात और कई घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज, महोबा।